नमस्ते दोस्तों, मिट्टी कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बिजली के फ्रिज चल सकता है? क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि मिट्टी से भी फ्रिज बन सकता है? है ना इंटरेस्टिंग। इसी इनोवेटिव आइडिया के साथ भारत देश में रहते हुए एक छोटे से गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार के, जो कि ना तो साइंटिस्ट है ना ही कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड में भी सेकंड ट्राई में पास हुए हैं, ऐसे हैं मिट्टी कूल के ओनर श्री मनसुख भाई प्रजापति, जिन्होंने ना ही ये सपना देखा बल्कि सपने को साकार करने के लिए 4 से 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस सपने को आविष्कार में बदल दिया, जिसका नाम है मिट्टी कूल फ्रिज, जिसे ना ही बिजली की जरूरत है और ना ही मेंटेनेंस की। मिट्टी से बने हुए इस फ्रिज के आविष्कार के लिए श्री मनसुख भाई प्रजापति को हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और महान वैज्ञानिक लेट श्री APJ अब्दुल कलाम की ओर से ट्रू साइंटिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मनसुख भाई प्रजापति को अवार्ड से सम्मानित किया है और मिट्टी कूल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे अवार्ड से सराहा गया है। तो आइए आज हम देखते हैं मिट्टी कूल के इसी फ्लैगशिप प्रोडक्ट मिट्टी कूल फ्रिज के बारे में। मिट्टी कूल के इस रेफ्रिजरेटर की टोटल कैपेसिटी 50 लीटर्स है। ऊपर 10 लीटर का वाटर टैंक है जिसमें स्टोर्ड पानी हम पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही पानी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को 4 से 5 दिन और डेयरी प्रोडक्ट्स को 24 घंटे के लिए फ्रेश रखता है। इस ऊपरी हिस्से में से पानी भर के टैप के द्वारा आप इसे पीने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। फ्रिज की क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब भी आप इसे साफ करना चाहें तो ये अंदरी हिस्से में और बाहरी हिस्से को एक क्लीन स्पॉन्ज से साफ करना है। पूरी तरह जब आप इसे साफ करना चाहें तो 2 महीने में एक बार ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकाल के आप इसे अंदर स्पॉन्ज से पूरे हिस्सों को साफ कर लेंगे तो ये फ्रिज लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फर्स्ट टाइम जब आप इस वाटर टैंक में पानी स्टोर कर रहे हो तब आपको उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर पानी स्टोर करना है। इसके अंदर जो पानी स्टोर होगा वही एज अ कूलिंग एजेंट फ्रिज के लिए काम करेगा। फिर धीरे धीरे मंथ ऑन मंथ आप इसके अंदर 1-1 लीटर पानी और ऐड कर सकते हैं। इस फ्रिज की इफेक्टिव कूलिंग के लिए आप इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम वेंटिलेशन मिले, जैसे कि किचन के अंदर खिड़की के पास हो गया, रूम में पंखे के नीचे हो गया। उसकी वजह से क्या होगा कि इसके अंदर स्टोर किए हुए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हमारा दूध लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। अब आइए हम इस फ्रिज के बेनिफिट्स की बात करें। जैसा कि आप जानते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इसके अंदर फ्रूट्स स्टोर करते हैं, वेजिटेबल स्टोर करते हैं, वो अपने ओरिजिनल टेस्ट में ही स्टोर रहते हैं। कट करने के बाद भी अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इसके अंदर स्टोर करते हैं तो वो भी अपने ओरिजिनल टेस्ट में ही वैसे के वैसे रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फ्रिज को मेंटेनेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी अगर फ्यूचर में इसके हिंजेस लूज हो जाते हैं तो आप इसे स्क्रू ड्राइवर से आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। इसका नल भी इजीली रिप्लेसेबल है, और अगर इसके स्टैंड्स कभी लूज हो जाते हैं तो आप इसे ठीक करवा सकते हैं या तो घर में खुद ही आप इसे ठीक कर सकते हैं। इस फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल सीजन या रूम टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री कम होता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए और फ्रेश रखने के लिए काफ़ी है। ऐसे हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करना ना भूलें, और हाँ, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook और Instagram को फॉलो करें, जहाँ से आपको हमारे प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मिट्टी कूल का यही उद्देश्य है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खाएं और स्वस्थ रहें। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।